हाँ बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। चलो, ऑनलाइन में कौन कौन है? प्रिंस, छवि, अभिषेक। अभिषेक और अभी अभिषेक, तुमने आदत बना ली है, धूप नहीं हो तो भी ठीक है कि आज तो यहीं ले लेंगे। कौन जाएगा ऐसे? क्या बढ़िया है, मस्ती में। बढ़िया बेटा, बढ़िया रहना चाहिए। चलो बेटा, ये ठीक है, आपको इसलिए दे रखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन की फैसिलिटी इसलिए दे रखी है, लेकिन इसका मिस यूज़ मत करना बेटा, ठीक है? इतने मेच्योर आप हो, फायदा नुकसान आपको ही होना है, ठीक है? ऐसे बच्चे मान लो इसी बिल्डिंग में रहते हो, क्या आज तो मोबाइल से ऑनलाइन ले लेंगे? बादल हो रहे हैं, ठीक है, मौसम खराब हो रहा है, कौन गैलरी में जाएगा? ऐसे मिस यूज भी मत करना बेटा। चलो बेटा, गुड इवनिंग। चलो बात स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों अपने कहाँ तक किया था? अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह कंप्लीट करके अपने क्वेश्चन किया था, किसमें परोक्षी लिंकेज प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं होती है। लेकिन परोक्षी लिंकेज के लिए बेटा देखो, कोई बात नहीं बेटा, पानी भर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? चलो तो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, मैंने क्या कहा था, परोक्षी लिंकेज में बच्चा नॉर्मली रट के रखता है कि सर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब वो परोक्षी लिंकेज है। लेकिन एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है बच्चों? परोक्षी लिंकेज में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होना चाहिए? परोक्साइड की कंडीशन में होना चाहिए बेटा, क्लियर है? और परोक्साइड की कंडीशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है बेटा? -1 होना चाहिए। आया समझ में? वो कैसे होता है? तो अगर ऑक्सीजन -1 -1 की फॉर्म में है तो ही वो परोक्षी लिंकेज बोली जाएगी, अदरवाइज नहीं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बच्चों, अब आपको मैं बच्चों 3-4 क्वेश्चन अलग टाइप के करवाता हूँ, बिल्कुल अलग टाइप के, इसलिए बता रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन मैं करके नहीं बताऊंगा तो आप ऑप्शन मैच कर ही नहीं पाओगे कि सर ये कैसे करने हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट का होना चाहिए, और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर बच क्या गया फिर, ठीक है? कहने का मतलब है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। ओके, कैसे करना बेटा? चलो क्वेश्चन लिखो, 3-4 अलग ही टाइप के क्वेश्चन करते हैं। लिखो बेटा, 1 मोल KCLO3, 1 मोल KCLO3 बोर्ड पे लिखा बेटा, 1 मोल KCLO3 इज गेन 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज गेन 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल KCLO3 इज गेन 4 मोल इलेक्ट्रॉन, देन विच प्रोडक्ट विल फॉर्म, देन विच प्रोडक्ट विल फॉर्म? ऑप्शन लिखो बेटा, देन विच प्रोडक्ट विल फॉर्म? KCl, KClO, KClO2, KClO4। लिख लिए बच्चों? देखो, ऐसे क्वेश्चंस का मैं तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया, थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया होना चाहिए, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चों? देखो, KCLO3 कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि फाइनली क्या हो जाए, उससे 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ओके, तो देखो बेटा क्या होना चाहिए, KCLO3 ऐसे लिख दो जैसे बोल रहा है KCLO3, क्लियर है? 1 मोल बोला है, इसका मतलब इसका कोफिशियंट कितना है बेटा? 1, क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, 4e, क्लियर है? गेन कर रहा है मैंने लिख दिया प्लस, यानी ये गेन करेगा, क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, जब ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, पोटेशियम पर चार्ज क्या होगा बच्चों? +1, क्लियर है? ऑक्सीजन पर कितना होगा बेटा? -2, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 पर कितना हो गया बच्चों? -6, -6 +1 कितना हो गया? -5, -5 तो इस पर क्या हो गया? +5, यस और नो? अब बच्चों ध्यान रखना, इसमें एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनता है इससे आपको मतलब नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं इस बात को सुन लेना, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपको इससे मतलब नहीं है। आपको इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद या डोनेट करने के बाद जिस एटम की बात कर रहा है या फिर सेंट्रल एटम की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान रखना, या तो तुम्हें चल के एटम का नाम देगा तो उसके रेस्पेक्ट में तुम्हें चार्ज में डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्लियर है? कुछ नहीं बोले तो आपको किससे करना है? सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कई सारे कंपाउंड दे रखे हैं, सभी कंपाउंड में कॉमन क्या है बेटा? ClCl, सेंट्रल एटम। समझ में आ रहा है?
क्लियर है। यानी अगर चल के किसी एटम का नाम नहीं दे रखा, जैसे आगे मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें चल के क्या करेगा, आपको एक एटम का नाम देगा तो उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद या लॉस करने के बाद जो एटम जिसकी बात करा उसके चार्ज में क्या डिफरेंस आएगा। चल के किसी एटम का नाम नहीं दे तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम को कंसिडर करना है बच्चों। क्लियर है, फिर मैं कर रहा हूं इस बात को, क्या प्रोडक्ट बनेगा साथ में क्या बनेगा, हमें इससे मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर क्लोरीन सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, क्लोरीन अगर फोर मोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, ये बताओ तो क्या हो जाएगा। अरे हमें पता है क्लोरीन की बात करें, सभी को मोल की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अब इसको मैंने वन मोल बोला है तो ये एक ओनली एक एटम नहीं है, वन मोल एटम हो गया। यानी एटम मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन सभी को सेम यूनिट में लेना है बच्चों, आ गया समझ में। या तो इसको वन इलेक्ट्रॉन और वन एटम बोलेंगे या वन मोल इलेक्ट्रॉन और वन मोल एटम, समझ में आ रहा है। दोनों को सेम यूनिट में लेना है, या तो एटम एटम या फिर मोल मोल, समझ में आ रहा है। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये अगर फोर मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो देखो वन मोल क्लोरीन एटम पर चार्ज कितना है बेटा, प्लस फाइव। तो ये बताओ फोर मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने पर चार्ज कितना हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज आता नहीं आता बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस वन आता है। तो ये बताओ फोर की वजह से कितना आएगा, माइनस फोर आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। क्लियर है बेटा, तो क्या करेंगे, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन गेन यानी एक यानी वन मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज आता है माइनस वन, तो फोर मोल गेन करने से कितना आएगा बेटा, माइनस फोर। क्लियर है, तो क्लोरीन की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्लस फाइव तो इस पर है, अगर ये फोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी फोर मोल गेन करेगा तो माइनस फोर चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। तो फाइनली मुझे पता है क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वन की फॉर्म में, यस और नो। अरे नेट चार्ज कितना बच गया, प्लस फाइव तो खुद की वजह से है, फोर मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेट चार्ज कितना बच गया, प्लस वन। क्लियर है, अब आपको वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें क्लोरीन पर चार्ज कितना हो बेटा, प्लस वन हो, वो ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर है। ठीक है बेटा, देखो चेक करते हैं, हमें पता है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में बात करें पोटेशियम पर कितना प्लस वन, क्लोरीन पर कितना माइनस वन, ये अपना आंसर होगा क्या, नहीं बेटा। ओके ठीक है, यहाँ बात करते हैं बच्चों पोटेशियम पर कितना प्लस वन, ऑक्सीजन पर कितना माइनस टू, माइनस टू प्लस वन कितना बच गया, माइनस वन, उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन पर कितना आएगा, प्लस वन। हमें पता है जो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी क्लोरीन पर चार्ज कितना है, प्लस वन है बेटा। क्लियर है, इसका मतलब ये तो अपना आंसर है, और भी मैच करके देखते हैं बाकी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या। ओके देखते हैं बच्चों, पोटेशियम पर प्लस वन, ऑक्सीजन पर माइनस टू, एक ऑक्सीजन पर माइनस टू, तो टू पर कितना हो गया बच्चों, माइनस फोर, माइनस फोर प्लस वन कितना हो गया, माइनस थ्री, तो बदले में इस पर क्या हो गया, प्लस थ्री। ये बताओ ये हो सकता है क्या, नहीं बेटा। ओके पोटेशियम पर प्लस वन, ऑक्सीजन पर माइनस टू, एक ऑक्सीजन पर माइनस टू, तो फोर पर कितना हो गया बेटा, माइनस एट, माइनस एट प्लस वन कितना बच गया, माइनस सेवन, तो इस पर कितना हो गया, प्लस सेवन। ये भी अपना आंसर होगा क्या, नहीं बेटा। तो कौन सा बच गया, ये आंसर, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, यस और नो। तो आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है, इतना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इतना लॉस करता है, वो करके जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, फिर देखो फाइनल जिस एटम पर बात करा फाइनली उस पर चार्ज क्या आता है और किस ऑप्शन में उतना ही चार्ज है बेटा, वो आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, नोट करो एक बार दोबारा बता दो सर। चलो बेटा देखो दोबारा समझो इस चीज को, इधर ध्यान दो, दोबारा समझो सारे बच्चे, इधर देखो। इस पे वैसे तो तीन क्वेश्चन और करवाऊंगा, समझना इस चीज को दोबारा। मैंने क्या कहा आपको, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल वगैरह दे देगा कि ये इतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लियर है, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने क्या कहा, जो प्रोडक्ट बनेगा आपको आइडिया बेसिस चार्ज के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है बच्चों, क्लियर है। कैसे, मुझे जो मेन कंपाउंड दे रखा था KCLO3 दे रखा है बेटा, क्लियर है, वन मोल KCLO3, यानी इसको मोल की टर्म में ले रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी आप क्या लोगे, मोल की टर्म में ही लोगे बेटा, क्लियर है। तो पहले हमें पता है एक्स मेथड से मैंने देख लिया कि जो वन मोल KCLO3 है तो चार्ज कितना आ रहा है बेटा, अरे क्लोरीन पर कितना आ रहा है, प्लस फाइव। ये कैसे है, समझ में आ गया, इसका मतलब क्लोरीन पर प्लस फाइव चार्ज है। तो हमें पता है बच्चों अगर ये फोर मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमें पता है वन इलेक्ट्रॉन या वन मोल बोल दूं, वन मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना आएगा, माइनस वन। अरे क्लोरीन को अपन बोलते हैं Cl-, Cl- कब बोलते हैं, जब वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यस और नो। वन एटम है तो वन इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, वन मोल एटम है तो वन मोल इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, दोनों को सेम यूनिट में लेना है, क्लियर है। तो हमें पता है क्लोरीन पर जैसे Cl- अपन लिखते हैं, कब लिखते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो वैसे ही जब हमें पता है फोर मोल इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो ये बताओ चार्ज क्या आएगा, माइनस फोर आएगा नहीं आएगा। तो पहले चार्ज कितना था बेटा,
प्लस फाइव और माइनस फोर और आ जाएगा फोर मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तो फाइनली नेट चार्ज कितना बच गया, प्लस फाइव माइनस फोर कितना बच गया बेटा, प्लस वन। क्लियर है? इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फाइनली क्लोरीन पर चार्ज कितना आता है, प्लस वन आता है। अब मुझे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको मुझे चेक करना है, जिस ऑप्शन में क्लोरीन पर चार्ज प्लस वन होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा बेटा। क्लियर है? अपने एक एक ऑप्शन चेक करके देखिए कौन से में क्लोरीन पर प्लस वन चार्ज है, सेकंड नंबर वाले पे, वही मेरा आंसर है। क्लियर है? अब समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? और कोई डाउट बेटा? लविस, बात समझ में आ गई, यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा, चलो छाप दो। आप दिए टिपली बेटा, टिपली। चलो आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ो जिंदगी में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। विच प्रोडक्ट विल फॉर्म सर, फोर इलेक्ट्रॉन को सीएल में ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों किए, ओ एंड के में क्यों नहीं किए? बेटा मैंने कई बार ये बोला है, हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक में क्या, इनऑर्गेनिक में, सब में यही होगा। आप हमेशा ध्यान रखना, पहली बात तो सेंट्रल एटम वही होता है जिस पर क्या हो, जिसकी साइज सबसे ज्यादा हो, यस और नो? और सीधी सी बात है, जिसकी साइज सबसे ज्यादा होगी हमें पता है बच्चों क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल भी सबसे ज्यादा उसी के पास अवेलेबल होंगे। क्लियर है बेटा? ऑक्सीजन पोटेशियम हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता क्योंकि मेटल है, और ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन की साइज क्या होती है, कम होती है बच्चों। आ गया समझ में? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहली बात तो कुछ चेंज देखते हैं वो भी क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करना ये होता है मेनली क्या होता है, सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ही होता है बच्चों, सेंटर के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? यानी चाहे कोई प्रोडक्ट बने या कुछ मेजर जो रेस्पॉन्स आता है बेटा, मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है, उसके लिए सेंट्रल एटम ही रेस्पॉन्सिबल होता है, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि सेंट्रल एटम की कंडीशन ही क्या है, जो मैक्सिमम कंडीशंस को फॉलो करता हो, अप्लाई करता हो, उसी को तो सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली कंडीशन मैक्सिमम क्या होती है, सेंट्रल एटम पर ही होती है बच्चों। क्यों? उसकी साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी है तो हमें पता है वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या उसके पास से ज्यादा होंगे औरों के कंपेरिजन में। क्लियर बेटा? यस और नो? बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। चलो लिखो बच्चों, विच प्रोडक्ट विल फॉर्म। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे प्रिंस ने पूछा बेटा, बाकी बच्चे भी ध्यान रखना, आपको बोले तो क्या चेंज आएगा, कुछ भी तुम्हें बोले कि मान लो ये कोई कंपाउंड है इसमें क्या चेंज आएगा, अब बच्चा कहेगा सर ये तो बोला ही नहीं है, कौन से एटम के रेस्पेक्ट में आंसर दूं, एक एटम को मुझे फिक्स करना है, चल के तुम्हें साइड वाले एटम बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोला तो क्या करना बच्चों, सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, कुछ नहीं बोले तो। क्लियर है? ठीक है, लिखो बेटा, विच प्रोडक्ट विल फॉर्म वेन वन मोल सल्फाइट आयन, बोर्ड पे लिखा है बच्चों, वन मोल सल्फाइट आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, फिर सीएल क्यों? बेटा ऑक्सीजन की ज्यादा जरूर है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बात समझ में आई क्या? बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अरे सिंपल सी बात है, फ्लोरिन है, फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है,
तो ये होता तुम फ्लोरीन को 50 इलेक्ट्रॉन दोगे वो ले लेगा क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बाहर से आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हो तो ध्यान रखना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ एडजस्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो, सबसे ज्यादा हो। समझ में आ गया? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा जरूर है तो ये एक या दो इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है बच्चों, इसकी साइज बहुत कम आती है तो इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपस में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन होने लग जाएगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो जो आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में है ये जरूर देखा जाता है, क्लियर है? तो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल उनसे ज्यादा अवेलेबल है क्योंकि साइज बड़ी है, तो क्या होता है क्लोरीन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उनको इजिली गेन कर सकता है, क्लियर है? तो ये जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको कौन सा आइटम गेन करने की टेंडेंसी शो करेगा, तो वो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वहां अप्लाई होता है, क्लियर है? ये ध्यान रखना, ठीक है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे लिखो, तो लिखो वन विच प्रोडक्ट विल फॉर्म वेन। अब पूरा क्वेश्चन लिखा हूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है? पूरा क्वेश्चन लिखा दूं पहले। क्या कहा कि विच प्रोडक्ट विल फॉर्म वेन वन मोल सल्फाइट आयन। बच्चों देखो मैंने आपको आइट इक एट ये सब लफड़े बताए थे, याद है ना बच्चों? ठीक है, सल्फाइट आयन ये बताओ बच्चों, सल्फाइट स्पेलिंग ध्यान रखना, सल्फाइड सल्फाइड बहुत सारे लफड़े बेटा, ध्यान रखना जिंदगी खराब हो जाएगी इनमें कंफ्यूज हो जाओगे तो, ठीक है? तो कहने का मतलब है सल्फाइड, पहली बात तो ये बताओ सल्फाइड किससे बनेगा, पक्का? बहुत बढ़िया बेटा, और कोई सल्फाइड किससे बनेगा, आइट किससे बनेगा, किससे किससे माइनस हाइड्रोजन करेंगे? अरे ऐसे करेंगे, सिंपल सी बात है, गुड़िया ने बता तो दिया, बिल्कुल बेटा। अस में क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन डोनेट करता है इसका मतलब ध्यान रखना सल्फाइड बोला है, इसका मतलब सल्फर वाले कंपाउंड से बनेगा, सल्फर का कौन सा होना चाहिए, हाइपो होना चाहिए, इक होना चाहिए, अस होना चाहिए, अस होना चाहिए, अस हाइड्रोजन डोनेट करता है तो क्या बनता है बच्चों, सल्फाइट। तो सल्फ्यूरस का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3। अरे सल्फ्यूरिक तो क्या होता है, H2SO4। क्लियर है बेटा, एक ऑक्सीजन कम कर दो एस बनेगा, नहीं बनेगा, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एस प्लस डोनेट कर देगा तो क्या बच जाएगा, SO3-2, यानी सल्फाइट आयन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, SO3-2। एक एक चीज बताने का मतलब क्या था समझ में आ गया, यस ऑर नो? तो ब्रैकेट में लिखो बेटा SO3-2। तो किसका नाम क्या है बच्चों, मैं आपको दोनों चीज इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि जब भी एक एक दो दो बार रिवाइज कर लोगे तो एक एक चीज टिप्स भी हो जाएगी। अब मैंने सारी चीज आपको बता रही है किस कंडीशन में तुम्हें कैसे ध्यान रखना, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्या कहा, विच प्रोडक्ट विल फॉर्म वेन वन मोल सल्फाइट आयन यानी SO3-2 इज गेन 24 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, इज गेन 24 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? ऑप्शन लिखो बेटा, S-2, SO4-2, इन सभी के नाम बेटा आपको बताने हैं, कोई बात नहीं, गलत हो को टेंशन नहीं है, इन सभी के नाम सोचो, मैं नाम जरूर लिखाऊंगा इन सभी के, बिल्कुल बाकी सल्फर है बेटा, तो और पहला ठीक है फोर, अरे अरे कुछ याद करो, हर चीज मैंने बताई है, कुछ याद करो, कोई बात नहीं बेटा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, घोड़े नहीं तो खच्चर दौड़ाओ, खच्चर नहीं तो पाड़े दौड़ाओ, कुछ भी दौड़ाओ, थर्ड ये वाला बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे ठीक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बेटा कोई बात नहीं, दिमाग चलाओगे तभी तो सोचोगे, चीटिंग नहीं करनी है बेटा कोई बात नहीं, गलत हो कोई टेंशन नहीं, बस ईमानदार से तुम्हें कितना याद आ रहा, फिर याद आएगा हाँ ऐसा नहीं ऐसा था। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो कुछ बच्चों ने दो या तीन आंसर बताए, बिल्कुल बेटा बात ठीक है उनके, यहाँ तक है ओनली सल्फर है, कोई चार्ज है क्या, नो बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है बेटा,
ये है आपका सल्फर एटम। क्या है बेटा ये? सल्फर एटम। क्लियर है? मैंने कहा था सिंगल एटॉमिक अगर एनायन हो तो क्या वर्ड यूज होता है बेटा? आइड। अरे आइड वर्ड यूज होता नहीं होता? मैंने क्या कहा सल्फर का है तो इसके साथ क्या लगा दो? सल्फाइड। क्लियर है बेटा? तो ये आपका क्या है बच्चों? ये है आपका सल्फाइड आयन। ध्यान रखना बेटा कहाँ आइड है कहाँ आइड है, समझ में आ रहा है? एक एक चीज मैंने इसलिए बताई थी। क्लियर है? ठीक है, ये आपको पता ही बच्चों एट वाली कंडीशन है या नहीं है? H2SO4 सल्फ्यूरिक से बनता है, सल्फ्यूरिक से बनता है तो एक से क्या बनेगा? एट। H2SO4 दो एच प्लस डोनेट करता है यानी दो प्लस जाता है, तभी तो दो माइनस टू चार्ज आता है बेटा। तो क्या आ जाएगा? इससे बनता है तो ये आपका क्या हो गया? एक से क्या बनेगा? सल्फेट। और साथ में चार्ज है इसलिए आयन वर्ड जरूर लगाएंगे, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? प्लस माइनस में कोई चार्ज होता है साथ में क्या वर्ड यूज होता है? आयन वर्ड यूज होता है। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा था दोनों को कंपेयर करो? सल्फेट इस हायो, मैंने क्या कहा था एक सल्फर एक्स्ट्रा एड वर्ड यूज होते है, क्या होता है बेटा? हायो वर्ड यूज होता है, याद है ना? इसका मतलब देखो SO4-2 होता है, एक ऑक्सीजन हटाकर एक सल्फर ऐड कर दे तो देखो SO4 से H2O3 बनेगा नहीं बनेगा, एक ऑक्सीजन कम कर दो O4 से O3 बन गया, S से H2 बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? थायो। और किससे बनेगा? थायो सल्फ्यूरिक से तो बनता है बेटा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी क्या बोलेंगे? या फिर अब आयन बोला तो थायो सल्फेट आयन बेटा, तो क्या लिखेंगे? थायो सल्फेट आयन। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, एक चीज तो आपको ये बतानी थी क्योंकि ध्यान रखना स्टार्टिंग में काफी चीजें आपसे गलती करवाएगी। समझ में आ गया? क्लियर बेटा? अब देखो बच्चों मैंने क्या कहा आपको सेम यूनिट में लेना है, जो सल्फाइट आयन बोला है बेटा वो आपको क्या बोल रहा है? मोल बोला है, वन मोल, आ गया समझ में? और जबकि आपको जो इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखा है मोल की टर्म में दे रखा है या डायरेक्टली नंबर दे रखा है? डायरेक्टली नंबर दे रखा है बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? और मैंने क्या कहा था दोनों को क्या लेना है? सेम यूनिट में लेना है बच्चों। समझ में आ गया? तो देखो मेरे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, याद है ना बच्चों? तो क्या करेंगे? स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एन अपॉन एन ए, ये ध्यान रखना बच्चों। कैसे? मैंने क्या कहा स्मॉल एन होता है मोल का सिंबल होता है, किसी के मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना वही आएगा, मोल कॉन्सेप्ट उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसके भी आप नंबर कैलकुलेट कर रहे हो उसके नंबर। क्लियर है बेटा? गिवन है चाहे आस्क है। एन ए क्या होता है आपका? अवोगाड्रो नंबर। क्लियर है बेटा? तो यहां से देखो ये बताओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन के मोल आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने दे रखे हैं? 24 मल्टीप्लाई बाय 10^23। और अवोगाड्रो नंबर कितना होता है बच्चों? 6 मल्टीप्लाई बाय 10^23। बच्चा कहेगा सर 6.023 होता है ना? बिल्कुल बेटा होता है, लेकिन अप्रोक्स करके इतना ही काम में लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10^23 काम में लेते हैं नॉर्मली कैलकुलेशन में। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो बेटा, तो कितने मोल आ गए? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? यस और नो? बस मैंने इनडायरेक्टली आपको हिंट दे दिया कैसे करना है, अब तो कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? चलो अब ऑप्शन मैच करके बताओ कौन सा होगा। गलत हो कोई टेंशन नहीं बेटा, गलती करो कोई टेंशन नहीं है, पर सीखो। पेन चलाओ बेटा। फाइनली कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अब इससे क्या बन जाएगा आपको ये देखना है। तरीका मैंने आपको बताया पहले वाले में, गलत हो कोई टेंशन नहीं है, बस ट्राई करना है। ट्राई करोगे तो पता चलेगा हाँ कहाँ मैंने गलती की थी। जल्दी निकालो बेटा अपनी आधी दूरी रफ कॉपी, क्लास का टाइम हो जाएगा वरना, जल्दी निकालो। देखते हैं, मतलब इसका आया है ये, बाकी का देखते हैं। शुभम तुमने कौन सा बताया? फोर्थ। और करो बेटा, प्रिंस सभी अभिषेक आंसर नहीं आया अभी तक। देखते हैं छवि अभिषेक
ध्यान कौन सा पक्का फिर से सोचो एक बात बताओ हाँ ध्यान SO3 से SO4 में ऑक्सीजन ज्यादा है और टोटल नेगेटिव ज्यादा तो टोटल पॉजिटिव भी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज डिक्रीज होगा समझ में आ रहा है SO4 वाला तो है ही नहीं टू वाला अभिषेक तुम्हारा कौन सा वाला बताओ अपने हरियाणा से क्या आंसर आ रहा है हाँ तो कहाँ से अच्छा सॉरी हरियाणा बॉर्डर से ठीक है भीर मोहना चलो कौन सा अच्छा वहाँ से कौन सा आंसर आ रहा है अब बताओ हाँ वहाँ से नहीं आ रहा अच्छा अभिषेक का ये आ रहा है चलो बेटा कोई बात नहीं समझना कैसे करना क्या करना इधर ध्यान दो देखो बेटा कैसे करना है इधर देखो आधा क्वेश्चन तो मैंने करके दे दिया था क्योंकि बच्चों पिछली बार की तरह आप डायरेक्टली करते इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है हमें सल्फाइड आयन को मोल की टर्म में दे रखा है बेटा दो बच्चों का आंसर सही है लविस का और प्रिंस का बाकी बच्चे देखो कैसे करना क्या करना नीम का थाना से फर्स्ट आ रहा है शाबाश तो नीम का थाना से एक सही है गलत क्यों आ रहा है दूसरा आंसर दूसरे रूट से आ रहा है क्या उसको को कहीं बीच में रुक गया है क्या चला रुक गया है क्या चलो बेटा देखो कैसे करना क्या करना समझना इस चीज को तो मैंने क्या कहा बेटा देखो फर्स्ट की अगर अपन बात करें सबसे पहले आपको मोल की टर्म में दे रखा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखा था बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखा तो वो भी आपको किसमें लेना है मोल की टर्म में लेना है क्योंकि मैंने क्या कहा जो आपको कंपाउंड आयन कुछ भी दे रखा वो और जितने इलेक्ट्रॉन है दोनों की सेम यूनिट में लेना है या तो डायरेक्टली नंबर की टर्म में या फिर मोल की टर्म में बस डायरेक्टली नंबर की टर्म में लेंगे तो डाटा बड़ा हो जाएगा बेटा ठीक है तो इसको एनए से डिवाइड करके क्या करते हैं थोड़े सिंपल डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा इजी रह जाता है क्लियर है बेटा ठीक है अब देखते हैं बच्चों कैसे करना है हमें पता है सल्फाइड आयन की बात कर रहा है यानी SO3 माइनस 2 ये बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 4 मोल इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ गई क्लियर है तो हमें पता चेंज किस में आएगा अब ये कॉमन चेंज है इसका सेंट्रल एटम कौन है सल्फर तो आपको सल्फर के रेस्पेक्ट में देखना है बच्चों क्लियर है एक ऑक्सीजन पर माइनस 2 तो 3 पर कितना होगा माइनस सिक्स उधर जाएगा उधर कुधर जाएगा अरे इक्वल के दूसरी साइड में याद है ना हमें पता सल्फर और ऑक्सीजन का नेट चार्ज किसके इक्वल आएगा बेटा माइनस 2 के बराबर एक एक रूल याद है ना अपने क्या कहा था सल्फर और ऑक्सीजन का चार्ज चाहे कितना भी हो लेकिन इनका अलजेब्रिक सम हमेशा क्या आएगा माइनस 2 के बराबर आएगा क्लियर है क्योंकि ये वाला माइनस 2 ओनली सल्फर ओनली ऑक्सीजन पर नहीं है बेटा पूरे सल्फाइड आयन पर है पूरी स्पीसीज पर है समझ में आ रहा है क्लियर है तो अपने एक एक रूल क्या लिखा है अरे बोलते ना पॉलीएटॉमिक आयन्स के लिए क्या होता है सभी एटम के चार्ज का अल्जेब्रिक सम क्या होता है टोटल चार्ज के इक्वल होता है यस और नो इसका मतलब क्या लिखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन का चाहे चार्ज कुछ भी हो अल्जेब्रिक सम कितना आना है माइनस 2 के बराबर आना है बच्चों क्लियर है तो क्या लिखेंगे सल्फर का एक्स है एक ऑक्सीजन का माइनस 2 3 का माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2 क्लियर है बेटा देखो बिना पेन चलाए क्या करो बेटा दिमाग चलाओ बेटा पेन वहां चलाना जहां दिमाग अटक जाए या कंफ्यूज हो जाए जितना दिमाग चलाओगे बिना पेन से बेटा टेंथ की आदत छोड़ दो रट रट के कर रहा हूं तो सुंदर लेख लिख रहा हूं ठीक है हैंडराइटिंग सुधारो बेटा कोई काम नहीं आएगी समझ में आ गया ठीक है दिमाग कितना चल रहा है बेटा वो काम आएगा स्पीड और एक्यूरेसी उससे बढ़ेगी कॉन्फिडेंस भी उसी से बनेगा क्लियर है रफ कॉपी को उतना ही काम में लिया करो जितनी जरूरत है ठीक है जहां दिमाग अटक जाए तो बच्चों देखो मैंने क्या कहा समझना इस चीज को देखो सल्फर का एक्स मान लो डायरेक्टली नहीं कर सकते सल्फर का एक्स मान लो एक ऑक्सीजन का माइनस 2 3 है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 एक्स माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 के बराबर नेट चार्ज कितना बेटा माइनस 2 तो इक्वल के उस साइड क्या आएगा माइनस 2 समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है बेटा तो क्या होगा माइनस 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 6 और उधर ऑलरेडी क्या है माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 कितना बच गया प्लस 4 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 4 यानी यहां सल्फर पर कितना है बच्चों समझ में आ रहा है क्लियर है बेटा यस और नो चलो बच्चों सल्फर पर प्लस 4 चार्ज आ रहा है और 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बताओ अब से मैंने क्या कहा था कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है SO2 बनेगा SO3 बनेगा मैं तो पता करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैंने क्या कहा था बेटा आप सेंट्रल एटम का चार्ज देख के ऑप्शन मैच कर लेना समझ में आ गए ऐसे ही क्वेश्चन है ऑप्शन मैच करने वाले ध्यान रखना 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने पर प्लस 4 से 0 में जाएगा नहीं जाएगा यस और नो अरे सल्फर है हमें पता है प्लस 4 चार्ज तो है बच्चों और 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आएगा माइनस 4 भी आएगा नहीं आएगा यस और नो तो फाइनली नेट चार्ज कितना हो गया बेटा 0 क्लियर है अब देख लो सल्फर 0 में किस पर है अरे पहले पर तो है फ्री स्टेट में है या नहीं है ठीक है तो क्या हो गया इस पर 0 इस पर कैलकुलेट करके बताऊं बच्चों
अरे माइनस टू है दे रखा है, इस पर कितना आता है एक ऑक्सीजन पर माइनस टू, तो फोर पर माइनस एट उधर जाएगा प्लस एट, और उधर ऑलरेडी कितना है माइनस टू, तो प्लस एट माइनस टू कितना बच गया प्लस सिक्स, क्लियर है। एक ऑक्सीजन पर माइनस टू, थ्री पर माइनस सिक्स उधर जाएगा प्लस सिक्स, प्लस सिक्स और ऑलरेडी कितना है माइनस टू, प्लस सिक्स माइनस टू कितना बच गया प्लस फोर, प्लस फोर अपॉन टू कितना बच गया, तो जीरो वाली कंडीशन कौन सी है, समझ में आ गया, क्लियर है, नोट करो। ये तो बेटा सच बताऊं तो अभी दो क्वेश्चन और करेंगे उनके कंपैरिजन में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो आपको और जलील किया जाएगा, इससे भी थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अभी दो क्वेश्चन और, एक मैं करके बताऊंगा फिर एक आपको करके बताना है। दूसरा रोड खराब होने के कारण रास्ते में गिर गया चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, रास्ते को सही से देखो, और अभिषेक तुम्हें तो यहीं से आना बावड़े राणी सतीश तो आना है, चलो कौन सा बेटा ये वाला क्या, हाँ बिल्कुल बेटा गेन कर रहा है, बिल्कुल गेन कर रहा है, बिल्कुल प्लस फोर आएगा, गेन कर रहा है ना, बिल्कुल प्लस फोर ही तो है प्रिंस, सही से देख प्लस फोर नहीं है बेटा, चलो छाप दिए। चलिए क्या, चलो बेटा एक और शानदार क्वेश्चन लिखो, लिखो वन मोल हाइड्रोजन, अब कई बच्चे नाम सुन के सोच जाएंगे सर ये तो नहीं होगा है ना, वन मोल हाइड्रोजन, वन मोल हाइड्रोजन इसके ब्रैकेट में लिख लेना बेटा N2H4, N2H4 को बोलते हैं वन मोल हाइड्रोजन, इस फॉर्म में प्रोडक्ट, वन मोल हाइड्रोजन इस फॉर्म में प्रोडक्ट है, वन मोल हाइड्रोजन इस फॉर्म में प्रोडक्ट है, वन मोल हाइड्रोजन इस फॉर्म में प्रोडक्ट है, आफ्टर डोनेटिंग 10 मोल इलेक्ट्रॉन, आफ्टर डोनेटिंग 10 मोल इलेक्ट्रॉन then calculate the ON of nitrogen, then calculate the ON of nitrogen in a product, calculate the ON of nitrogen in product if molecular state of nitrogen, if molecular state of nitrogen is unchanged, if molecular state of nitrogen is unchanged, लिख लिया बेटा। अब देखो जब तक ऐसा क्वेश्चन करके नहीं बताया आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें बोल क्या रहा करना कैसे, क्लियर है, चलो बेटा स्टेप बाय स्टेप करना, बच्चों देखो कैसे करना समझना, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बेटा, देखो आपको देर का हाइड्रोजन अच्छे से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन आपको करके बताना अच्छे समझना, देखो सेम टू सेम तो नहीं दूंगा, थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा लेकिन इसको समझ लोगे तो कुछ ईजी हो जाएगा। ओके बच्चों देखो क्या बोल रहा है, वन मोल हाइड्रोजन है, वन मोल हाइड्रोजन फॉर्म ए प्रोडक्ट आफ्टर डोनेटिंग 10 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी ये वन मोल है तो कितने डोनेट कर रहा है बेटा,
10 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लियर है बेटा? ठीक है, आफ्टर डोनेटिंग 10 मोल इलेक्ट्रॉन, ये कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रोडक्ट बनता है ये बना दिया, क्लियर है? देन कैलकुलेट द ओवन ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट इफ मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अनचेंज्ड है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इस पूरे मॉलिक्यूल में दो टाइप के एटम है, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, मुझे किस पर फोकस करना है बेटा? नाइट्रोजन पर फोकस करना, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं इसका मतलब हाइड्रोजन में क्या होता है, कैसे होता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे फाइनली क्या देखना है नाइट्रोजन में क्या होता है कैसे होता है, फाइनल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्लियर है? इसका मतलब बच्चों देखो समझना इस चीज को अच्छे से, देखो बेटा कैसे करेंगे, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में करें, हमें पता है नाइट्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, अरे नॉन मेटल है, बस ऐसे देख लिया करो कि आज तक मैंने कभी जिंदगी में इस पर नेगेटिव चार्ज देखा नहीं, देखा देखा नहीं देखा, माइनस भी आता नहीं आता बेटा, ठीक है, माइनस भी आता नहीं आता, यानी हमने कभी देखा माइनस भी चार्ज आ जाता है इस पर, क्लियर है? इस पर माइनस चार्ज कभी देखा जिंदगी में, वो बेचारा नॉन मेटल है, क्लियर है? और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा किसमें होता है बेटा, प्लस वन में होता है, नहीं होता, क्लियर है? तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन पर प्लस वन, तो फोर पर कितना, प्लस फोर तो इधर कितना आ गया, माइनस फोर। बच्चा कहेगा सर ये माइनस फोर तो टोटल एन टू पर है, आपने ओनली एन पर क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, इफ अ मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज अनचेंज्ड, समझ में आ गया? आपको नाइट्रोजन को किसके रेस्पेक्ट में देखना है, एन टू के रेस्पेक्ट में ही रखना है, क्लियर है बच्चों? चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो इसका मतलब अब मुझे हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, मुझे पता चल गया स्टार्टिंग में एन टू पर चार्ज कितना है, माइनस फोर था, क्लियर है बेटा, यस ऑर नो? स्टार्टिंग में नाइट्रोजन पर चार्ज कितना था, माइनस फोर था, अगर ये 10 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये बताओ बच्चों एन टू पर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस फोर तो पहले से था, 10 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर क्या आएगा, प्लस 10 आएगा, नहीं हमें पता है 10 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टोटल प्लस 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन पहले माइनस फोर था, 10 मोल और डोनेट कर दे तो हमें पता है प्लस 10 आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा, अगर प्लस 10 तो रिजल्टेंट चार्ज कितना हो गया बच्चों, एन टू इज टू क्या हो गया, एन टू पर चार्ज कितना हो गया, प्लस 6, तो मेरा आंसर प्लस 6 है या नहीं है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, मेरा आंसर, मैंने क्या बोला, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 है, क्यों बेटा सभी, नो क्यों, नो क्यों, अरे बस तो नो नो पांच बार आ गया, मैं समझ गया, लेकिन नो क्यों, रीजन टू मॉलिक्यूल है सर, शाबाश बेटा, अरे ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑफ सिंगल एटम, आपको पहला ऑप्शन यही मिलेगा बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है? चार्ज ऑफ सिंगल एटम कंफ्यूज लास्ट तक करवा देगा आपको, गलती कहीं भी करवा सकता है एग्जामिनर, बात समझ में आ रही है क्या? इसने जानबूझ के क्या बोल दिया, नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर स्टेट अनचेंज्ड है, यानी नाइट्रोजन को आपको एन टू मानकर ही चलना है, तो ये मेरे पास चार्ज किस पर आया बच्चों, एन टू पर आया है, और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये बताओ टोटल एटम का चार्ज होता है या सिंगल एटम का, सिंगल एटम का, समझ में आ गया? तो पहला ऑप्शन आपको प्लस 6 देके ही गलती करवाएगा, तो क्या करेंगे फाइनली, ओएन ऑफ नाइट्रोजन है, ओएन दो पर हमें पता है प्लस 6 है बेटा, तो एक पर कितना होगा, प्लस 6 बाय 2 एन कितना आ गया बच्चों, ये मेरा आंसर है, समझ में आ गया, क्लियर है, यस ऑर नो, यस ऑर नो, छाप दो बेटा, क्या बोला लास्ट में क्वेश्चन, क्या बोला था, पूरा लिखा नहीं है क्या, चलो बेटा रिपीट कर रहा हूं सुन लेना, वन मोल हाइड्रोजन इज फॉर्म ए प्रोडक्ट आफ्टर डोनेटिंग 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? देन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट इफ अ मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड यानी एन टू की फॉर्म में ही आपको रखना है, इसके टुकड़े 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 मत कर लेना,
सर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन भी आएगा, तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? मैंने क्या कहा बेटा, उसकी रिएक्शन किसी और के साथ भी करवा सकता है, साथ में और कुछ भी अवेलेबल हो सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें, तो क्या करते हैं खाली चार्ज को बैलेंस करके हाइपोथेटिकल क्या करते हैं ऑप्शन चेक किया जाता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसकी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा था पहली बात, तो इसमें आपको क्या करना, चार्ज को बैलेंस करके जो लैंग्वेज दे रखा उसको फॉलो करके ओनली चार्ज को मैच करके आपको क्या करना है ऑप्शन मैच करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कंप्लीट रिएक्शन कौन सी है, कंप्लीट रिएक्टेंट कौन सा है, हमें कुछ बोला ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? अब हाइड्रोजन चाहे अलग से 2H2 बन जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? साथ में सपोज करो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हो, बात समझ में आ रही है क्या? अरे साथ में मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हो तो क्या होगा, हमें पता है नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा नहीं आएगा प्लस में। बात समझ में आ गई मेरा कहने का मतलब है? तो ये ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें ये क्वेश्चन करवाने, मैंने बोला था ना अजीब टाइप के क्वेश्चन, कौन सा प्रोडक्ट होगा कौन क्या होगा हमें इससे मतलब नहीं है, जो हमें कंडीशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ज में फाइनली हमें देखना क्या चार्ज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मेरा आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? यस और नो, यस और नो प्रिंस। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, अगला नेक्स्ट को बोलते हैं। हाँ ये वाला, ये चलो बेटा देखो अपन को क्या बोला था, वन मोल हाइड्रोजन जैसे बोल रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन देख लिया, क्लियर है? वन मोल हाइड्रोजन फॉर्म ए प्रोडक्ट आफ्टर डोनेटिंग 10 मोल इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? इसका मतलब 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, अब इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, क्लियर है? मुझे चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो मैंने क्या कहा जिस एटम पर फोकस करे आपको उसी के रेस्पेक्ट में आंसर देना है, क्लियर है? ठीक है, तो अब हाइड्रोजन पर क्या है, बस हाइड्रोजन का हेल्प कहां तक है बच्चों, हाइड्रोजन का रोल बस ये बताने के लिए कि स्टार्टिंग में N2 पर चार्ज कितना था। समझ में आ गया? साथ वाले एटम का रोल कहां तक है, बस ये बताने के लिए कि स्टार्टिंग में जिस एटम की बात करा उस पर चार्ज कितना था, ताकि पता चल जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो पता चल गया नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड फॉर्म में हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा प्लस वन में होगा, एक हाइड्रोजन पर प्लस वन होता है तो फोर पर क्या होगा प्लस फोर, तो इधर पूरे N2 पर, क्योंकि मैंने ओनली N नहीं बोला है, क्योंकि चल के इसने क्या बोला है नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर स्टेट अनचेंज रहनी चाहिए, आपको N2 की फॉर्म में ही कंसिडर करना है। क्लियर है? तो टोटल N2 पर चार्ज कितना -4। अब मुझे इसी के रेस्पेक्ट में देखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब चल के यही बोल रहा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसकी वजह से चार्ज में जो डिफरेंस आएगा मेजर डिफरेंस इसी में आएगा। क्लियर है? पहले चार्ज था -4, 10 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस कर रहा है लेस कर रहा है, इसमें से लेस होंगे बेटा। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस है, बच्चा कहेगा यहाँ प्लस कैसे किया, यही क्या, अरे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तभी तो प्लस चार्ज आएगा बेटा। क्लियर है? 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस 10। क्लियर है? तो क्या होगा, -4 पहले से था, 10 प्लस में आ गया, टोटल कितना बच गया +6। लेकिन ये मेरे पास +6 किस में आया है, N2 पर आया है, और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है सिंगल एटम का चार्ज। क्लियर है बेटा? तो +3 हो जाएगा। चलो बेटा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल डोनेट। How many electron will donate by one mole H2H4? How many electron will donate by one mole H2H4? By one mole H2H4 to form a product? How many electron will donate by one mole X2H4 कंपाउंड को, हाइपोथेटिकल कंपाउंड मैंने दे दिया, X यहां पर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? By one mole X2H4 to form a product if ON of X if ON of X is -1 in product
इफ ओन ऑफ एक्स इज माइनस वन इन प्रोडक्ट, इफ ओन ऑफ एक्स इज माइनस वन इन प्रोडक्ट एंड मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एक्स एंड मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एक्स इफ मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एक्स इज अनचेंज्ड इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एक्स इज अनचेंज्ड इन ए प्रोडक्ट लिख लिए। अब बच्चे सोचेंगे सर आप लालू की तरह चीटिंग करते हो, आप थोड़ा सा इजी बताते हो, हमें थोड़ा सा हार्ड देते हो, ऐसे क्या तो लालू वाला जोक नहीं सुना गया? अरे हमारे टाइम बचपन में फेमस थे कि लालू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये दो तीन जने गए तो पहले मनमोहन सिंह से पूछा कि जापान की स्पेलिंग बताओ। रेहान सुन, अच्छे से काम की बात है। मनमोहन सिंह से पूछा कि जापान की स्पेलिंग बताओ, मनमोहन सिंह ने बता दी। फिर इंदिरा गांधी से पूछा कि चाइना की स्पेलिंग बताओ, उसने बता दी। लालू से कहा चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है, चेकोस्लोवाकिया तुमने नाम नहीं सुना होगा, इतनी बड़ी स्पेलिंग है इसकी। तो लालू बुरा मान गया कि एक को चाइना पूछा, एक को जापान पूछा, मेरे को चेकोस्लोवाकिया। बोला दूसरा सवाल पूछो, ये तो चीटिंग है। फिर पूछा कि चलो ठीक है दूसरा बताओ। मनमोहन सिंह जी से पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड बोले चली थी ना, बोले कहाँ हुआ था, उसने बता दिया इंडिया में हुआ था। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी से पूछा कि उसमें क्या हुआ था, बोले इसमें गोलियां चली थी। लालू का नंबर है, बोला बोले किस किस को लगी थी उनके नाम बताओ। लालू बोला मैं नहीं खेलूंगा, मेरे साथ तुम चीटिंग करते होगे, इनको इजी इजी देते हो। तो वही बात है, तुम्हें ये फीलिंग आ रही है कि सर चीटिंग कर रहे हैं, हमें जानबूझ के ऐसे दे रहे हैं चेकोस्लो वाले के स्पेलिंग है, सबके नाम बताओ वो बताओ। चलो बेटा कोई बात नहीं, ट्राई करो बेटा, आंसर नहीं आया मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे बोल रहा वैसे करते जाओ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट बताया, बस थोड़ा सा मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया बेटा, उसमें तो चल के आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखा था, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है। श्योर करो, देखते हैं, जिस बच्चे का आंसर गलत हो गया उसे चकोसलो वाले की स्पेलिंग बतानी पड़ेगी रे। शुभम खड़ा हो, स्पेलिंग बता, चकोसलो वाकिया की बताओ ना, गुड़िया को बतानी पड़ेगी। आज सुन लिया ना, प्रिंस अभिषेक आंसर गलत होती स्पेलिंग सुनानी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब देख लेना, अब तो मुझे बतानी पड़ेंगे क्योंकि मेरा भी वही नाम है घर पे। क्या लालू? लालू चलो ठीक है लालू। और छवि का क्या है? पप्पू, ऐसे तो होते हैं लालू पप्पू कालू मुन्नी, गांव में ऐसे नाम रखते हैं लालू पप्पू कालू मुन्नी। चलो ठीक है, ठीक है चल खड़ा स्पेलिंग था। चलो किसी का आंसर आया 1111111, यही आ रहा है क्या? एक बच्चे का आ रहा 2, एक बच्चे का आ रहा 1। चलो बेटा देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक शायद मुझे आइडिया, शायद दोनों ही गलत है। ठीक है चलो कैसे करना कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा, श्योर करते हैं, कंफर्म तो नहीं, याद तो नहीं है मुझे इसका आंसर क्या है, देखते हैं बच्चों कैसे करना। इधर ध्यान दो, इधर देखो कैसे करना है। सबसे पहले बात करिए बच्चों, देखो बोल क्या रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। कि वन मोल H2H4
यानी हाइड्रोजन के साथ कोई सा भी कंपाउंड हाइपोथेटिकल मुझे नहीं पता, एक्स मान के इसने दे रखा है, क्लियर है। यानी हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डोनेट बाय वन मोल H2H4, इसका मतलब वन मोल H2H4 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मुझे नहीं पता, मैं मान रहा हूं एन मोल इलेक्ट्रॉन, यस और नो। अरे कितने भी मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मैं क्या मान रहा हूं बेटा, वन एन मोल इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं, एन यानी एन का नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी वो डोनेट करेगा तो मैंने माइनस लिखा है बच्चों, और ये ऐसा करके क्या बना रहा है, जो प्रोडक्ट है बेटा उसका फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर है। अब ये बताओ मुझे कौन से एटम पर फोकस करना है बेटा, एक्स पर करना है बेटा, क्लियर है। ठीक है बच्चों, एक्स की अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन पर क्या आएगा, प्लस वन। बच्चा कहेगा सर एक्स जरूरी थोड़ी है, हाइड्रोजन मतलब नॉन मेटल ही हो, नॉर्मली नॉन मेटल के साथ तो लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेटल के साथ आपको हाइड्रोजन का कंपाउंड देगा वो रेयर केस में देगा, क्लियर है, सुन लेना इस बात को, मेटल के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या देगा, रेयर केस में देगा। बच्चा कहेगा सर अगर एक्स मेटल होता तो यहाँ पर माइनस वन लेना चाहिए था ना, हमें बता थोड़ी रखा मेटल है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन ध्यान रखना कुछ नहीं बोला जाए तो हाइड्रोजन पर क्या लेना है, प्लस वन मान के करना है बेटा, क्लियर है। क्योंकि ज्यादातर तो नॉन मेटल के साथ ही कंपाउंड बनाता, आपने देखा होगा H2O, NH3, CH4 होता नहीं होता, अरे ज्यादातर हाइड्रोजन के कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल्स के साथ ही होते हैं, क्लियर है बेटा। इसका मतलब एक हाइड्रोजन पर प्लस वन है बेटा, फोर पर कितना हो जाएगा, प्लस फोर, प्लस फोर तो इधर कितना आएगा, माइनस फोर। बच्चा कहेगा सर दो में आपने डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया, क्योंकि चल के क्या बोला है एक्स की मोलिकुलर स्टेट क्या रहेगी, अनचेंज, आपको इसको क्या रखना है बच्चों, H2 की फॉर्म में ही रखना है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो H2 इसका मतलब ओनली H2 को अलग उठा लो बच्चों, क्लियर है, H2 को अलग उठा लो, इसका मतलब n मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद हमें पता है जितने मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही चार्ज आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे आएगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे X2 हमें पता पहले चार्ज कितना था, माइनस फोर, एन मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो चार्ज क्या आएगा, प्लस एन, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब अपने ऑक्सीडेशन नंबर वाले रूल से अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते बच्चों, कैसे, जो प्रोडक्ट है उसमें ये बताओ एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है, माइनस वन बोल रहा है, नहीं बोल रहा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इज माइनस वन इन प्रोडक्ट, यस और नो। तो X का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है बच्चों, तो क्लियर है, इक्वल टू ये बताओ एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इक्वल टू ये बताओ इसके टोटल चार्ज के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों, यानी टोटल चार्ज के इक्वल होगा, तो टोटल चार्ज क्या है, फोर प्लस एन, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो यहां से अपन क्या करेंगे बच्चों, माइनस फोर, बिल्कुल माइनस फोर है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, माइनस टू इक्वल टू माइनस फोर प्लस एन, क्लियर है। तो माइनस टू प्लस फोर इधर आ जाए तो प्लस फोर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन, तो एन इज इक्वल टू कितना है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, टू मोल इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। एन की यानी जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही तो प्लस में चार्ज आएगा बेटा, ठीक है। और फाइनली एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, टू, तो क्या लिखूंगा बच्चों, टू मोल इलेक्ट्रॉन, टू मोल, समझ में आया कैसे क्या, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट, बात समझ में आ गई बेटा, मैंने भी ऐसे ही किया था सर, वेरी गुड, मेरा भी यही आंसर आ रहा, बच गया तो स्पेलिंग बताने से, ठीक है, चलो बढ़िया, जल्दी नोट कर बेटा, तो स्पेलिंग था फिर, क्वेश्चन बैंक लेके आएगा कोई, क्वेश्चन बैंक है किसी बच्चे के पास, आज जाके बेटा ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना यहाँ तक बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर की जितनी भी कंडीशन है बेटा सारी मैंने बता दी है, ध्यान रखना ऐसी कोई कंडीशन छोड़ी नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर नाम आए और सर ये कैसे करना वो कैसे करना, हर कंडीशन अपने डिस्कस की है। अब इसमें क्या करना है अपन को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होते हैं, फिर ऑक्सीडेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, और फिर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्लियर है। बाकी ऑक्सीडेशन इसका मान लो 50% पार्ट तो ऑक्सीडेशन नंबर ही है, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया किस कंडीशन में क्या होगा कहां पर क्या होगा उसके, ये मान लो सारा क्लियर हो गया बेटा। लविश ने लिखा है चेकोस्लोवाकिया है क्या, गलत, दिखाओ क्वेश्चन बैंक दिखाओ बेटा, हाँ बेटा नेट पे सर्च किए हैं,
रेहान सॉल्व कर ली, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेकंड असाइनमेंट छोड़ देना, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन थर्ड छोड़ देना। फिर नंबर और बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर वाला है, आज जाके चिपका देना, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट दे रखे ना, ये छोड़ देना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ही है ये। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बेटा ये जो हो सके देख लेना, वरना कोई बात नहीं। ये इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये छोड़ देना। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन और एक्सरसाइज फाइव में तो और सिक्स में कॉमन दे रखे हैं, वो कर लेना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको काम करना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का लफड़ा यहाँ तक खत्म कर देना और यहाँ तक सारे बेटा रिवाइज करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कैसे करना क्या करना, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर है बेटा, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से कर लेना बेटा, हाँ बस आज क्या नहीं, आज बाकी बच्चे एबसेंट है बेटा, आज नहीं करेंगे आप।